दिव्य समागम में हमारे बीच उपस्थित राजस्थान भर के हमारे सभी मार्गदर्शन देने वाले सभी संत समाज को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे आदरणीय मंत्री जी, सांसद जी और मंचस्थ सभी अतिथियों का मैं अभिनंदन करता हूं। और मुख्य अभिनंदन मेरे उन ब्राह्मण समाज के विप्र बंधुओं का जो एक आह्वान पर लाखों की संख्या में इस ब्राह्मण महापंचायत में पधारे। एक इतिहास की घटना मुझे याद आती है। एक राजा ने जब एक आह्वान किया बाजीराव पेशवा से कि मुझे युद्ध के लिए जरूरत है और युद्ध के लिए आह्वान किया। बाजीराव पेशवा उस समय भोजन कर रहे थे, उन्होंने तुरंत भोजन को छोड़ा और घोड़े पे सवार होकर सेना को बढ़ाया। सेनापति जी ने कहा कि महाराज आप पहले भोजन तो कर लेते। उन्होंने कहा कि अगर मैं आज भोजन करूंगा तो इतिहास ये लिखा जाएगा कि जब एक राजा को जरूरत थी तो एक ब्राह्मण भोजन कर रहा था। ये इतिहास आप सबके रूप में बाजीराव पेशवा आज यहां उपस्थित है। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भगवान परशुराम की। आप एक आह्वान पर लाखों की संख्या में यहां पधारे, ये विप्र सेना परिवार की तरफ से मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इस महापंचायत में जो हमारे सभी संगठनों ने मिलकर के जो निर्णय लिया और जो पंचायत की चिंतन किया, मैं इस मंच से वो आपको मांगे हमारी सरकार तक पहुंचाने के लिए बताता हूं। हमारे आए दिन पुजारियों पर हो रहे अत्याचार, मारपीट, दुर्व्यवहार, ये सरकारें ऐसे अपराध को गैर जमानती अपराध घोषित करे। अगर ये सरकारें इसको गैर जमानती अपराध नहीं घोषित करती तो देश के इन लाखों ब्राह्मणों ने सुनील जी तिवाड़ी को जिम्मेदारी दे दी है कि वो उस घटना का बदला उसी रूप में लेंगे। तो दोनों हाथ उठाकर बताइए, दे दी क्या जिम्मेदारी? दे दी ना जिम्मेदारी? दे दी ना? हमारे मंदिर के पुजारियों को बत्ते के नाम पर बड़ा शर्मनाक रुपया मिलता है। मैं हम सरकारों से मांग करते हैं उनको सम्मानजनक बत्ता देने का कार्य सरकार करे। अगर यह सरकार नहीं करेगी तो ये जिम्मेदारी भी हम सुनील जी को दे दें क्या? मंदिर की जमीन पर कोई अतिक्रमण करता है, वो मंदिर की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य सरकार करे। और सरकार नहीं करती तो क्या ये जिम्मेदारी भी सुनील जी को दे दें? अरे दे दें तो फिर दोनों हाथ उठाकर बोलो दे दे। EWS आरक्षण जो 14% के लिए था, हम 10 से बढ़ाकर उसको 14% करने की मांग करते हैं। पंचायती राज में भी उसको लागू करने की मांग करते हैं। OBC के इक्विलेंट करने की उसको हम मांग करते हैं। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो, ये हम मांग करते हैं। इन सब मांगों को हम हमारी इस महापंचायत से अगर समर्थन देते हैं तो आप दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे भगवान परशुराम की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे मध्य में विधायक अशोक लाहोटी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है और उद्बोधन के लिए